फिर से डिले, एक्चुअली 11 बजे का फ्लाइट था। नहीं, वो सब लोग पीछे जा रहे हैं, आप पीछे आइए। दिल्ली पहुंचते ही क्या पोपट हो गया भाई, मतलब दौड़ना पड़ रहा है भाई, भागा दौड़ी हो रहा है। पूरा टीम ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। थैंक यू स्पाइस जेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Good morning, guys. Tashi Dile Siwaru Fiful and Namaste. This is your Darshan Thamang, and once again, welcome back to my YouTube channel, Darshan Vlogs. So, guys, आप लोगों ने कल का वीडियो तो देख ही लिया होगा। मैं कल सिलगुड़ी आया था और फिर अपना गाड़ी वाड़ी का काम हुआ, मतलब मैंने गाड़ी वहां पर छोड़ दिया गैरेज में, गाड़ी का काम हो रहा है। तो जब मैं वापस आऊंगा गाड़ी एकदम चकाचक हो जाएगा। तो अभी गाइस सुबह सुबह उठ के ना मैं अपना एडिटिंग वाला काम कर रहा था, तो चलो थोड़ा बहुत आधा उधा काम कंप्लीट कर लिया। एंड गाइस आज मेरा 11 बजे का फ्लाइट था, मतलब बागडोर टू दिल्ली, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मुझे सुबह मैसेज आ गया योर फ्लाइट हैज बीन डिलेड, मतलब 12 बजे हो गया, अभी एक घंटा डिले हो गया। तो 12 बजे का मेरा फ्लाइट है, तो चलो अभी मैं यहाँ पर ना ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूँ होटल में। सो अपना काम आधा अधूरा हो गया है, आधा काम मैं फ्लाइट के अंदर ही कंप्लीट करूंगा, तब तक एडिटिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं दिल्ली में जाकर अपलोड करूंगा। कुछ सामान मैं यहाँ पर होटल में छोड़ रहा हूँ, ये जूते, ये थोड़ा बहुत कपड़े है। एंड गाइस ये मैं फ्लाइट में ले जा रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत सामान है। तो चलो गाइस अभी ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। जल्दी जल्दी करके यहाँ पर ब्रेकफास्ट में आया था, तो सबसे पहले मैं ही आया हूँ यहाँ पर। देखो ऐसे स्पून वगैरह भी नहीं रखा है भैया जी ने। चलो अपना ब्रेकफास्ट सुबह का आ गया है, तो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके अभी निकलते है। सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो गया, तो चलो अभी निकलते है। खुल जा सिम सिम, खुल जाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो गाइस एक्चुअली मेरा आज कुछ ज्यादा सामान नहीं है ना, तो मैं ऐसे टैक्सी रिजर्व करके नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बस पे, सिलीगुड़ी टू बागडोगरा, ये एयरपोर्ट तक जाएगा, एयरपोर्ट मोड़ तक जाएगा। सो वहाँ से शायद ऑटो लेके जाना पड़ेगा। तो चलो अभी बस भी खाली है, पीछे बैठते हैं भाई, एकदम पीछे यहाँ पर बैठेंगे भाई। बस भी क्या है, ये सीट फटा हुआ है पूरा। चलो कोई बात नहीं। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया यहाँ पर एयरपोर्ट मोर, और यहाँ बस से उतर गया, और बस ने मुझे ओनली 20 रुपीज लिया वहाँ पर सिगोक मोड़ से एयरपोर्ट मोड़ तक, 20 रुपये में पहुंच गए। और अभी यहाँ से मुझे ऑटो लेके जाना है। चलो चलो गाइस फाइनली पहुंच गए बागडोगरा एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पहुंच के भी मैंने अपना बोर्डिंग पास निकाल लिया है। सो आई गॉट द बोर्डिंग पास, सो फ्लाइट एक घंटा डिले है, 11 बजे का फ्लाइट था, अभी 12 बजे उड़ रहा है, तो शायद 11:30 तक बोर्डिंग करना पड़ेगा। और अभी एयरपोर्ट में भीड़ भाड़ ऐसा है देखो। सो चलो गेट नंबर 1 पे चलते हैं अभी। बहुत ज्यादा भीड़ है भाई देखो। चलो गाइस फाइनली अब बोर्डेड द प्लेन, और ऑलरेडी डिले, फिर से डिले, एक्चुअली 11 बजे का फ्लाइट था, फिर 12 बजे हो गया, फिर अभी डिपार्चर का टाइम देखो अभी क्या होगा, 12:26, फिर से आधा घंटा डिले हो गया। तो ऐसा ही हुआ, क्या करो, एडजस्ट करना पड़ता है। अगर गाड़ी होता तो चेंज करके जाता ना, लेकिन फ्लाइट है भाई, ऐसा नहीं कर सकते। सो चलो उड़ान भरने का टाइम भी हो रहा है। बीमार हो गए शायद, स्ट्रोक आ गए किसी को। फाइनली पहुंच गए दिल्ली, वेलकम टू दिल्ली। तो बस में इतना ज्यादा भीड़ हो गया भाई। तो गाइस अभी एयरपोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन अपना एयरपोर्ट गुम हो गया,
मतलब एयरपोर्ट्स गुम हो गए हैं शायद, मैंने फ़्लाइट के अंदर ही छोड़ा। यहाँ पर मैंने लोकेशन देखा ना तो मतलब एयरपोर्ट के एरिया में दिखा दे रहा है, तो यहाँ पर अभी इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे, अगर अंदर जाके ले सकते हैं तो ले आऊँगा। दिल्ली पहुँचते ही क्या पोपट हो गया भाई, मतलब एयरपोर्ट वहाँ पर ही मिस हो गया, लेकिन लोकेशन के हिसाब से ना वो फ़्लाइट के अंदर ही है, तो मैंने यहाँ पर इंक्वायरी किया है स्पाइस जेट में और वो लोग बता रहे हैं कि अभी नेक्स्ट बोर्डिंग के लिए फ़्लाइट तैयारी हो रहा है, तो वो वाला फ़्लाइट फिर पता नहीं कहाँ पर उड़ के जाएगा, लेकिन वो लोगों ने बताया कि नेक्स्ट उड़ान भरने से पहले पूरा चेक होके सामान वामान कुछ छूटा नूटा नहीं वो करके फिर लॉस्ट एंड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन करेगा, फिर वहाँ से अगर कुछ मिला तो यहाँ पर स्टाफ को पता चलेगा, फिर तब मुझे बताएंगे, तो शायद थोड़े देर और रुकना पड़ेगा। गाइस फाइनली अपडेट मिल गया है कि मेरा जो सामान है फ्लाइट के अंदर ही है, तो स्पाइस जेट वालों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया और फाइनली जाके मेरा सामान भी मिल गया है। दौड़ना पड़ रहा है भाई, भागा दौड़ी हो रहा है। हाँ जी, ओ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, ये थैंक यू सो मच। फाइनली गाइस आई गॉट इट, और हमारे गुलाब सिंह जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, थैंक यू सो मच गुलाब सिंह, नाम भी बहुत अच्छा है गुलाब। लेकिन मैंने सुना था गुलाब का कांटा होता है, गुलाब का सिंह होता है, पहली बार सुना। ऐसे मजाक कर रहा था, थैंक यू सो मच। तो चलो गाइस फाइनली अपना जो है ना सामान मिल गया है, एंड थैंक यू सो मच स्पाइस जेट, मतलब ये तो मेरा मतलब वहाँ पर देखा था मैं तो दिल का धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गया था, लेकिन पूरा टीम ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, एकदम ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, एकदम से मिल गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पाइस जेट, थैंक यू सो मच। गुलाब सिंह जी आपको तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू मैडम। गाइस एयरपोर्ट्स की वजह से ना मुझे ना बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिल गए, सब लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ब्लॉग बाद में देख लेना भैया जी, ठीक है, थैंक यू। यहाँ से ना कैब लेके जाता हूँ अपने होटल रूम, तो यहाँ पर मैंने ओला से बुक किया, तो चलो यहाँ पर एयरपोर्ट, यहाँ पर ओला है तो यहाँ पर काउंटर में आके बुक कर सकते आराम से। हाँ, OTP हमारा गाड़ी भी आ गया, ठीक है सर जी, लोकेशन मिल गया ना, OTP ठीक है। तो चलो गाइस फाइनली गाड़ी भी मिल गए, अभी आराम से जाएंगे। कितना टाइम में पहुंचेगा भैया वहाँ? अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको, आप 1:11 दिखा रहा है, 1:11 दिखा रहे हैं, शायद ट्रैफिक होगा ना इसीलिए ना। हाँ जी, पहुंच गए दिल्ली, और दिल्ली पहुंचते ही हो गए बारिश। देखो गाइस बारिश ने वेलकम किया हमें दिल्ली में, मौसम ठंडा है यहाँ पर अभी भी। ओला तो गाइस फाइनली अभी पहुंच गए रूम, और रूम पहुंचते थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट कर थोड़ा बहुत अभी फ्रेश फ्रेश हो गया हूँ, तो देखते देखते शाम भी हो गए गाइस, चलो अभी थोड़ा बहुत भूख भी लग रहा है, डिनर टाइम भी हो गया, चलो अभी डिनर करने चलते हैं। और गाइस आज भी मतलब व्लॉग एडिट तो किया था फ्लाइट के अंदर ही, लेकिन अपलोडिंग करने का टाइम नहीं मिला, फिर थंबनेल वंबनेल भी नहीं बनाया ना, तो ऐसे टाइट हो गया था, तो चलो व्लॉग कल अपलोड कर लेते, तो आज के लिए पूरा रेस्ट करेंगे। सो गाइस फाइनली अभी खाना वाना हो गया है, और अभी मैं ये मोजीतो ले रहा हूँ, और अकेले ना खाना मतलब ऐसे बाहर स्ट्रीट में गया था ना, वहाँ पर ग्लैपिंग खाया, फिर कुछ कुछ स्ट्रीट फूड खाया ना, तो पेट पूरा भर गया, तो अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो सिर्फ ये थोड़ा सा ड्रिंक ले रहा हूँ। तो गाइस अभी दिल्ली का मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब उतना गर्मी नहीं है एकदम, तो देखो अभी मैंने ये भी पहना है, शाम को तो थोड़ा बहुत हल्का सा ठंड भी है। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द नेक्स्ट डे। तो एक्चुअली गाइज कल ना व्लॉग एंड नहीं किया था, ऐसे थक के सो गए थे, तो चलो आज सुबह सुबह स्टार्टिंग किया व्लॉग, स्टार्टिंग नहीं एंड करने के लिए स्टार्ट किया हूँ, और सुबह सुबह मतलब अपना एडिटिंग वाला पार्ट भी हो गया है, एडिटिंग करके अपना व्लॉग भी अपलोडिंग हो रहा है, तो चलो गाइज फाइनली एक व्लॉग अपलोड हो रहा है बहुत दिन के बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी होने के वजह से मैं व्लॉग मतलब कंटिन्यूसली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ ना इसीलिए। सो चलो गाइज अभी ना दिल्ली में बहुत एक दो काम है जो मुझे निपटाना है, एंड दिल्ली में आने का मेन रीज़न जो है आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो यस गाइज चलो, होप कि आप लोग का आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे दर्शन ब्लॉग्स, जस्ट इन्जॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।